हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज हम शुरू करेंगे अपने एंटोमोलॉजी के कुछ और एमसीक्यूज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एंटोमोलॉजी एमसीक्यूज एंड सॉरी फॉर द डिले इन द सेशन। आवर कैमरा वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जिसकी वजह से हम टाइमली सेशन को शुरू नहीं कर पाए हैं। एनी वे, मूविंग फर्दर, अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में, दोनों में ही लिंक गिवन है। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे यू विल बी एबल टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है और एग्रीकल्चर को चुनने के बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर कैप्सूल्स, ये सभी कुछ आपको यहाँ मिलता है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 की इस ऐप में। साथ ही साथ अगर आप किसी पेड बैच में एडमिशन लेते हैं तो इस पेड बैच में भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है थ्रू एप्लीकेशन। सो डाउनलोड द एप्लीकेशन राइट नाउ एंड डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड आज हम करेंगे एंटोमोलॉजी के एमसीक्यूज। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, आप लोगों के कमेंट्स नीचे आ गए थे एडजस्ट करना है ना। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन। सो गाइस, दिस इज अबाउट एग्रीकल्चर महापैक। अगर आप मल्टीपल एग्जाम देते हैं रिलेटेड, लाइक IBPS AFO भी देना है, NABARD भी देना है, MSc भी देना है ना, तो आप जो है एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं ताकि मल्टीपल एग्जाम की तैयारी एक ही जगह से एक ही फीस में हो सके। तो यहाँ पर भी आप Y448 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट द डिस्काउंट। जो भी उस टाइम पर मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि अभी जो आपकी इसकी फीस है वो है 7,359 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे बैचेस मिलते हैं। सो डू नॉट सी द फीस, है ना। आपको IBPS AFO का फाउंडेशन बैच मिलता है, MSc फाउंडेशन बैच मिलता है, NABARD फाउंडेशन बैच मिलता है। आपको इसमें पंजाब ADO की क्लासेस भी दिखेंगी, आपको इसमें RPSC की क्लासेस भी दिखेंगी, आपको इसमें बहुत सारा कंटेंट के साथ साथ उनकी टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी मिलती है। तो सारा कंटेंट बेसिकली एक जगह मिल जाता है, राइट। तो अब शुरू करते हैं सेशन को। जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सकिंग माउथ पार्ट्स आर नॉट प्रेजेंट इन, सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट किस इंसेक्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं? फ्लीज, लाइस, फ्लाइज और एंट्स। सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट किस में नहीं देखने को मिलते हैं? फ्लीज, लाइस, फ्लाइज और एंट्स। क्या होगा आंसर? फ्लाइज, एंट्स। यस, द राइट आंसर इज एंट्स। ठीक है, एंट्स बिल्कुल सही जवाब है। तो एंट्स में आपके हिम्नोप्टरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं और हिम्नोप्टरा में बाइटिंग एंड लैपिंग टाइप, है ना, चूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये सकिंग नहीं करते हैं, ये सॉलिड फूड्स खाते हैं, राइट। जो सक करते हैं, लिक्विड आइटम्स लेते हैं, उनमें सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट हो सकता है। ये सॉलिड फूड खाते हैं तो इनमें सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो एंट्स विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो। ऑल ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स आर, सभी ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स कैसे होते हैं? प्रेडेटरी होते हैं, विंगलेस होते हैं, एंडोगनाथस होते हैं या ऑल ऑफ द अबव? ए मेटाबोलस इंसेक्ट, ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स कौन से होते हैं जिनमें मेटामोरफोसिस नहीं होता, जिनमें जन्म के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं होती, वो जन्म के टाइम जैसे दिख रहे हैं, बड़े होकर भी वो वैसे ही दिखते हैं। तो इनमें विंग्स प्रेजेंट नहीं होते, है ना। ऑल ऑफ द अबव देखकर बच्चे पिघल जाते हैं। कितनी बार मैंने आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ाया है, ए मेटाबोलस मतलब मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट है, ऐसे इंसेक्ट्स में विंग्स प्रेजेंट नहीं होते, दे आर विंगलेस इंसेक्ट्स। सो बी विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इमैच्योर
मैच्योर्स ऑफ द न्यूरोप्टरा वुड बी क्लासिफाइड एज न्यूरोप्टरा ऑर्डर के जो इमेच्योर स्टेज है उसको हम क्या कहेंगे, स्कैवेंजर्स कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे, हर्बीवोरस कहेंगे या प्रीडेटर्स कहेंगे? इमेच्योर ऑफ न्यूरोप्टरा, इमेच्योर स्टेज ऑफ द न्यूरोप्टरा क्या होती है, स्केवेंजर्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं या हर्बीवोरस होते हैं, क्या होंगे? प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स, राइट। न्यूरोप्टरा एंड विद इन दिस ग्रुप स्पेशली द फैमिली क्राइसोपिडी फैमिली आर इंटरेस्ट टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ एंटमोलॉजी बिकॉज ऑफ देयर रोल एज प्रेडेटर्स इन द पेस्ट, क्योंकि जो भी आपके एग्रीकल्चरल पेस्ट हैं स्पेशली एफिड्स एंड स्पाइडर माइट्स उन पर ये इजीली फीड कर सकते हैं, ठीक है। सो दे एक्ट एज प्रेडेटर्स, ठीक है, ये एक प्रेडेटर की तरह एक्ट करते हैं। प्रेडेटर यानी कि दूसरों को कैच करके खाना, है ना, दूसरों पर फीड करना। तो ये न्यूरोप्टरा ऑर्डर का स्पेशली द क्राइसोपिडी फैमिली, इसमें ये प्रेडेटर हैबिट देखी गई है, राइट। चलिए, व्हाट डू द ऑर्डर्स मेंटोइडी, डर्मैप्टरा एंड आइसोप्टरा हैव इन कॉमन? मेंटोइडी फैमिली, डर्मैप्टरा फैमिली एंड आइसोप्टरा फैमिली में कॉमन क्या है? विंगलेसनेस है, चुइंग माउथ पार्ट्स है, हर्बीवोरी है या फिर ऑल ऑफ द अबव? यस, ग्रीन लेस विनबैग, बिल्कुल सही समझे। चलिए, फोटो तो पहचान लिया आप लोगों ने, हाँ। What do the orders Mentidae, Dermaptera and Isoptera have in common? All of the above लगा लेते हैं, है ना? Chewing and mouth, chewing mouth parts, chewing mouth parts, है ना? Chewing के साथ biting अपने आप आ जाता है, chewing mouth mouth parts, है ना? Mentidae से आपके mantids belong करते हैं, है ना? Isoptera से आपकी termites belong करती है और Dermaptera से आपके ईयर विग्स बिलोंग करते हैं, और सभी में क्या होता है, चुइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि ये सॉलिड फीडर्स हैं, ये सॉलिड फूड आइटम्स पर फीड करते हैं, ओके। चलो, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंसेक्ट ऑर्डर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू डर्मैप्टरा? डर्मैप्टरा ऑर्डर से कौन सा ऑर्डर है जो काफी क्लोजली रिलेटेड है? अगर ये पिक्चर भी पहचान जाओगे तो आंसर दे दोगे। डर्मैप्टरा में आपके जो ईयर विग्स आते हैं, है ना, यहाँ पर आपकी पिक्चर दिखाई हुई थी ईयर विग्स की, है ना, दिस वन। ये क्या लगता है, ये सबसे ज्यादा किससे मिलता जुलता इंसेक्ट है? इससे। अब ये किस ऑर्डर से, ये अगर आपको पता होगा तो आप आंसर बिल्कुल दे पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल दिशा, आपकी बात बिल्कुल सही है ना। एंटो इज फुल ऑफ कन्फ्यूजन्स, सेम सेम से नाम है, बहुत डिफिकल्ट से नाम है, तो एंटो का सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है, रोज थोड़ी थोड़ी पढ़नी है, राइट। यस, थाइसिनोयूरा, वेरी गुड, थाइसिनोयूरा, ठीक है। चलिए, पिक्चर मतलब पहचान ली है, राइट। सो बिल्कुल आंसर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच आर्थ्रोपॉड हैव सिलिएसरी? किस आर्थ्रोपोड में सेलिसरी होता है? स्पाइडर्स में होता है, श्रिम्स में होता है, मैलिपिड्स में होता है या फिर सभी में होता है? सेलिसरी किस में होता है? इसके माउथ पार्ट्स में आगे दो सींग जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं या स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, ये सेलिसरी कहलाते हैं। ये किस में प्रेजेंट होता है? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून अमित, क्या होगा? स्पाइडर्स, ठीक है। चलिए, स्पाइडर्स भी दिखाते हैं अब आपको हम, है ना। देखो, स्पाइडर्स के जो माउथ पार्ट होते हैं आगे ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर एक्स्ट्रा होते हैं जिनको सेलिसरी कहते हैं, ठीक है। तो स्पाइडर्स विल बी योर आंसर, नॉट मेलिपिडस, है ना। मेलिपिडस जो कान खजूरा, राइट।
तो स्पाइडर्स में आपके जो है सेलिसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके माउथ पार्ट में दो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर नॉट एंटीना, है ना, जो एंटीना नहीं है. चलिए, द ऑर्डर ऑर्थोप्टरा कंटेन्स, ऑर्थोप्टरा ऑर्डर में कौन कौन आता है? बेड बग्स और स्टिंग बग्स आते हैं, चुइंग एंड सकिंग लाइस आते हैं, रॉचेस एंड मैंटेड्स आते हैं, या क्रिकेट्स और ग्रास होपर्स आते हैं. ऑर्थोप्टरा ऑर्डर में इनमें से कौन से इंसेक्ट्स आते हैं? बैड बग्स एंड स्टिंग बग्स, चुइंग एंड सकिंग लाइस, रोशर्स एंड मैंटेड्स, या फिर क्रिकेट एंड ग्रास होपर्स. थैंक यू सो मच तेजस, बट आज थोड़ी सी मेरी तबीयत, मतलब 2-3 दिन से खराब ही है, तो आवाज मेरी थोड़ी सी आपको अजीब सी लग रही होगी, है ना. डी, क्रिकेट्स एंड ग्रास होपर्स, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है अभी तक का, राइट. ऑर्थोप्टेरा से आपके ग्रास होपर्स और क्रिकेट्स बिलोंग करते हैं, और अभी तक ये आपको रट जाना चाहिए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. विच कैरेक्टरिस्टिक्स वुड नॉट फाउंड इन ऑनकियोफोरा, ऑनकियोफोरा में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलती है? दिस टाइप ऑफ इंसेक्ट्स बिलोंग्स टू ऑनकियोफोरा, ठीक है. स्नेक लाइक इंसेक्ट्स होते हैं और काफ़ी सारी लेग्स इसमें होती हैं, राइट. इनको ऑनकियोफोरा ऑर्डर में डालते हैं. तो इनमें क्या नहीं दिख रहा है आपको? वन पेयर ऑफ एंटीना नहीं दिख रहा है, 3 टेगमाटा नहीं दिख रहा है, जॉइंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी नहीं दिख रही है, या जॉइंटेड लेग्स नहीं दिख रही है, या कुछ नहीं दिख रहा है. पेपर में फोटो सहित नहीं आएंगे विवेक, है ना, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तो आपको दर्शन करवा ही देती हूँ मैं, जिस दिन भी मेरे पास टाइम होता है कि मैं गूगल से ढूंढ ढूंढ के आपके लिए फोटोज लेकर आ सकूं. चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या है? सेगमेंटेड बॉडी. हम इसमें क्या कोई बॉडी में कोई सेगमेंट देख पा रहे हैं कि भाई ये हेड है, ये थोरैक्स है, ये एब्डोमेन है? नहीं देख पा रहे हैं, है ना. एक्चुअली 3 टेगमेटा भी वही है, जब आप बॉडी को सेगमेंटेड करते हैं उस प्रोसेस को ही तो टेगमोसिस कहते हैं, उस एक रीजन को ही तो टेगमाटा कहते हैं, है ना. लेकिन यहाँ पर हम मल्टीपल करेक्ट आंसर नहीं लगा सकते हैं, तो 3 टेगमाटा भी सही है और सेगमेंटेड बॉडी भी सही है, क्योंकि दोनों का मतलब ही सेम है, मतलब ही सेम है, तो दोनों आंसर करेक्ट है. अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे? जो आपके दिमाग में उधर आता है, 3 टेगमाटा आता है या सेगमेंटेड बॉडी आता है, आप कोई सा भी आंसर लगा सकते हैं, या तो एग्जामिनर दोनों को ही करेक्ट करेंगे या फिर उसका ग्रेस मार्क सबको मिलेगा, ठीक है. तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो इस तरीके से उनको डील किया जाता है, ठीक है. ऐसा मत सोचना दूसरे ने सही लगाया आपका गलत हो गया. विच ऑर्डर इज एक्सक्लूसिवली हिमाटोफैगस, इनमें से कौन सा ऑर्डर है जो एक्सक्लूसिवली हिमाटोफैगस है, यानी कि ब्लड फीडर्स है? सिफेनोप्टरा है, थाइसेनोप्टरा है, फाज्मिडा है, या हिमनोप्टरा ऑर्डर है? इनमें से कौन से ऑर्डर के जो इंडिविजुअल्स हैं वो ब्लड फीडर्स हैं, मतलब सिर्फ ब्लड पर फीड करते हैं, उनमें कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो प्लांट खाने चाहता हो, जो वेजिटेरियन हो? अजीब बात हुई, कभी कभी अजीब बातें हो जाती हैं क्वेश्चंस में, है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. यस, द आंसर इज सिफेनोप्टरा. सिफेनोप्टरा से आपके फ्लीज बिलोंग करती हैं, फ्लीज जो है सिर्फ ब्लड पर फीड करती हैं. फ्लाइज डिफरेंट होता है, फ्लीज डिफरेंट होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है. चलिए, विच स्ट्रक्चर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद हिमनोप्टरा, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो हिमनोप्टरा में अक्सर पाया जाता है? फर्क्यूला पाया जाता है, कोलोफोर पाया जाता है, इलाइट्रा पाया जाता है, या हेम्यूलाई पाया जाता है? हाँ, तो हिमनोप्टरा में हमें क्या देखने को मिलता है? बी हेम्यूलाई, है ना, बी हेम्यूलाई, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर्स जो उसके विंग्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट. चलिए, चोइंग माउथ पार्ट्स नेवर अकर्स इन,
च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स किस में नहीं होते हैं? फ्लीज में नहीं होते हैं, बिटल्स में नहीं होते हैं, ईयरविग्स में नहीं होते हैं, या बीज में नहीं होते हैं? च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इनमें से किस इंसेक्ट्स में नहीं पाए जाते हैं? फ्लीज, बिटल्स, ईयरविग्स और बीज। आंसर क्या होगा? फ्लीज। अभी अभी तो हमने पढ़ा कि फ्लीज ब्लड फीडर्स होते हैं। जो ब्लड फीडर है, जो लिक्विड पर फीड कर रहा है, उसको च्यूइंग माउथ पार्ट की क्या जरूरत है? उसे तो सकिंग माउथ पार्ट की जरूरत है, उसे तो चूसना है ना, खून पीना है किसी ना किसी का, राइट? तो खून पीने के लिए आपको दांतों की जरूरत नहीं होती, च्यूइंग की जरूरत नहीं होती है। तो फ्लीज में च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट नहीं मिलते हैं। ए विल बी द राइट आंसर। बीज में च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप ही होता है, हिम्नोप्टेरा ऑर्डर बीज, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप। ऑल न्यूरोप्टरस इंसेक्ट्स आर, जो भी न्यूरोप्टरा ऑर्डर से आपके जो इंसेक्ट्स बिलोंग करते हैं ना, वो क्या होते हैं? प्रेडेटर्स होते हैं, एक्टोगनाथस होते हैं, विंगलेस होते हैं, या हैमी मेटाबॉलस होते हैं? ऑल न्यूरोप्टरन इंसेक्ट्स आर, सभी न्यूरोप्टरन इंसेक्ट्स कैसे होते हैं? आज के क्वेश्चन थोड़े अलग भी हैं, थोड़े डिफिकल्ट है, ये मैं मानती हूँ, ठीक है? तो घबराना नहीं, कभी डिफिकल्ट प्रैक्टिस करेंगे, कभी इजी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन साल के एंड तक ऐसे तैयार हो जाएंगे कि हमारे सामने एंटो का कैसा भी क्वेश्चन आए, हम कहेंगे हमने ये किया है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मीनाक्षी मैम के साथ, और हमें ये आता है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? न्यूरोप्टरस आर विंगलेस, राइट? विच डेवलपमेंट स्टेज इज फाउंड ओनली इन द एफिमेप्ट्रा? एफिमेप्ट्रा में जो भी आपकी डेवलपिंग स्टेज है वो उन्हीं में पाई जाती है, और किसी में नहीं पाई जाती, चाहे वो प्री प्यूपल स्टेज हो, सब इमैगो स्टेज हो, नायड्स हो, या इमैगो हो। एफीमेरोप्ट्रा में जो ऑर्डर है आपका, इन इंसेक्ट्स में एक स्टेज पाई जाती है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में नहीं देखने को मिलती है। प्री प्यूपल स्टेज है, नायड स्टेज है, इमैगो स्टेज है, सब इमैगो स्टेज है। क्या होगा आंसर? आंसर विल बी सब इमैगो स्टेज, सब इमैगो। इमैगो होता है एडल्ट, प्यूपा रेस्टिंग स्टेज होती है, नायट्स एक्वेटिक जो इमेच्योर स्टेजेस होते हैं उनको कहते हैं, लेकिन सब इमैगो वो स्टेज है जहां पर एडल्ट जैसा इंसेक्ट दिखता है लेकिन उसके सेक्सुअल ऑर्गन अभी एक्टिव नहीं है। ये स्टेज हर इंसेक्ट में नहीं होती, राइट? ये किस में होती है? एफीमेरोप्टेरा ऑर्डर में होती है, ठीक है? सो एफीमेरोप्टेरा ऑर्डर से कौन बिलोंग करता है? मे फ्लाइज बिलोंग करती है, ठीक है? इंसेक्ट्स बिलोंगिंग टू ऑर्डर एफीमेरोप्टेरा, दिस ऑर्डर इज अ पार्ट ऑफ एंशियंट ग्रुप ऑफ योर प्लिकोप्टेरा ऑर्डर, जिससे आपकी ड्रैगन फ्लाई और डैम्सन फ्लाई बिलोंग करती हैं। कब पहले ये उसी ऑर्डर से बिलोंग करता था जिसका नाम प्लिकोप्टेरा ऑर्डर था, ठीक है? तो मे फ्लाई इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है एफीमेरोप्टेरा का, राइट? Which orders are most important in transmission of human disease? इनमें से कौन से order है जो human disease transmission के लिए सबसे important है? Phasmatida और Odonta order है, Hymenoptera और Siphonoptera है, Diptera और Phytophthora है, Hymenoptera और Thysanoptera है। जल्दी से आंसर बताएं। यस, डिप्टरा है ना, फ्लाइज एंड फाइथेराप्टरा, यानी कि आपकी जो हेड लाउस होती है, लाइस होती है, टिक्स होती हैं, ये और डिप्टरा ऑर्डर से आपके फ्लाइज बिलोंग करती हैं, जो ज्यादातर आप इंसेक्ट्स में बीमारियां करती हैं, ठीक है? तो सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, आगे आपके आकाश सर का सेशन है वो लेट हो जाएगा हमारी वजह से।
एंड आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये आपका एमएससी एग्रीकल्चर का फाउंडेशन बैच है। इफ़ यू वांट यू कैन एनरोल इन दिस बैच एंड प्रिपेयर विद अड्डा 24/7। Y448 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं टू गेट इन टू द कोर्स। लाइक और सेशन पसंद आया हो तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। सेशन आज हमारा थोड़ा सा छोटा रहा क्योंकि लेट शुरू हुआ बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर, लेकिन हमारी अगली क्लास उसकी वजह से लेट नहीं होनी चाहिए, वरना तो पूरे दिन की सारी क्लासेस लेट हो जाएंगी, ठीक है। तो हम इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय गाइज, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एंटोमोलॉजी। और हम साथ साथ अपनी एंटोमोलॉजी जो है ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच हंसा।